हेलो फ्रेंड्स, छह माता दी कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा पर बहुत बड़ा, बहुत ही खूबसूरत चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और साल का सबसे पहला चंद्र ग्रहण है। बहुत ही अहम घटना है, बहुत ही खास है, जब चंद्रमा पृथ्वी के परछाई तले आ जाने वाली है। 2021 में पड़ने वाले चंद्र ग्रहण, इस साल कुल दो चंद्र ग्रहण लगने वाले हैं और 26 मई को पहला और दूसरा चंद्र ग्रहण 19 नवम्बर को लगेगा। ये चंद्र ग्रहण अमेरिका हो, उत्तरी यूरोप हो, पूर्वी एशिया हो, इंडिया में, वेस्ट बंगाल आदि में, ऑस्ट्रेलिया में, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन के कुछ क्षेत्रों में दिखाई देगा। कहीं पूर्ण रूप से तो कहीं पर उपछाया के रूप में ये दिखाई देने वाला है और सभी देशों में अलग अलग प्रभाव छोड़ करके जाएगा। चंद्र ग्रहण के शुरू होने से पहले चंद्रमा धरती की उपछाया में प्रवेश करता है और जब चंद्रमा पृथ्वी की वास्तविक छाया में प्रवेश के बिना बाहर निकल जाता है तो उसे हम उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। वास्तविक छाया में प्रवेश करता है जब, तो पूर्ण चंद्र ग्रहण कहलाता है, और जब सूर्य का पूरी तरह से छाया चंद्रमा पर नहीं पड़ता, बीच में धरती का भाग आ जाता है, तो ऐसी अवस्था में सूर्य से पड़ने वाली रोशनी थोड़ी धुंधली हो जाती है और इस चंद्र ग्रहण को आराम से आप खुली आंखों से देख सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से ये पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है। इस बार पड़ने वाला ये चंद्र ग्रहण सबसे अधिक प्रभाव छोड़ने वाला है वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में जो जन्मे हुए लोग हैं, उन्हें सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। इस दौरान विशेष सावधानी रखें। अनुराधा नक्षत्र में जन्मे लोग जो होते हैं, वो 27 नक्षत्रों में 17वां नक्षत्र आता है और दिखने में किसान के हल जैसा या कमल के फूल जैसा होता है और इस नक्षत्र के स्वामी शनि देव माने जाते हैं। और इस नक्षत्र में पैदा होने वाले जो जातक हैं, वो बहुत धार्मिक किस्म के, बुरी से बुरी परिस्थितियों में धैर्यपूर्वक बिहेव करने वाले, बेहद लगनशील और जुझारू होते हैं। दूसरी तरफ जो वृश्चिक राशि के लोग होते हैं, उन जातकों के स्वामी मंगल देवता हैं, जो सभी ग्रहों के बीच में जिनको सेनापति का दर्जा प्राप्त है और इसीलिए ये राशि के जातक स्वभाव से बेहद आवेगी होते हैं, निडर होते हैं, पराक्रमी होते हैं। और जब चंद्रमा चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा होता है और चंद्रमा मन का स्वामी होता है। ऐसे में ये चंद्र ग्रहण आपको किसी प्रकार का मानसिक तनाव में फंसा सकता है। इस दौरान आपको वाणी दोष भी हो सकती, क्रोध में आप कुछ भी अनशंट बक सकते हैं, गाली गलौज कर सकते हैं। ऐसा आप ना करें, धन हानि होने की भी आशंका है। बेस्ट है इस दौरान व्यर्थ के जो वाद विवाद हैं उनसे खुद को दूर रखें, ठंडी चीज़ें खाने से बचें और अपने क्रोध पर भी काबू रखें। चंद्र ग्रहण कब लग रहा है ध्यान से सुन ले। लूनर एक्लिप्स का टाइम है, आपको 26 मई को यानी 26 मई को चंद्र ग्रहण होगा। दोपहर को 2:17 से शुरू होगा और शाम को 7:19 पर ख़त्म होगा। तो ये जो 26 मई का लूनर एक्लिप्स है, ये आपको 5 घंटे करीब करीब चलने वाला है। लेकिन बस यही बात है, भारत के कुछ ही हिस्सों में दिखाई देगा, विशेष रूप से बंगाल आदि में, तो बाकी देश में भी सभी लोग मान्यता रखें, लेकिन सूतक काल मान्य नहीं होगा। सूतक क्या होता है? चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले और सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक लगा दिया जाता है। सूतक में कोई भी शुभ काम, पूजा पाठ आदि करने की मनाही होती है, देवी देवताओं की प्रतिमा छूने की मनाही होती है, यहाँ तक कि मंदिर के पट हो, कपाट हो, मंदिर भी हो, सभी बंद कर दिए जाते हैं। घर के जो मंदिर होते हैं उसमें पर्दे लगा दिए जाते हैं। और सिर्फ सूतक ही नहीं, चंद्र ग्रहण के समय भी आपको पूजा पाठ आदि नहीं करना चाहिए, शुभ कार्य करने से बचना चाहिए, नहीं तो ये अशुभ फल देने लगते हैं। कहा जाता है समुद्र मंथन के दौरान सर्व भानु नाम का एक असुर था, जिसने छल से जब मोहिनी रूप धरा था विष्णु भगवान और अमृत बांट रहे थे, तो उसने भी छल से अमृत पीने की कोशिश की थी, जिसे चंद्रमा और सूर्य ने देख लिया था और उन्होंने इस छल के बारे में भगवान विष्णु को बता दिया, जिससे क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने उस असुर का सिर को धड़ से अलग कर दिया था। मगर अमृत की कुछ बूंदें उसके मुख में तब तक जा चुकी थी, गले के नीचे उतर चुकी थी, जिससे 2 और असुर उत्पन्न हो गए। अब इन असुरों का नाम राहु और केतु पड़ा और अमृत के प्रभाव से ये अमर हो गए और फिर ये चंद्रमा और सूर्य से बदला लेने की फिराक में लगे रहने लगे।
जब वे पूरी तरह से चंद्रमा और सूर्य को कहा जाता है जकड़ लेते हैं, तो वातावरण में नकारात्मकता फैल जाती है जो सभी के लिए हानिकारक होती है, और इसीलिए इस दौरान सभी शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है। यहाँ तक कि इस दौरान बाल नहीं काटने चाहिए, नाखून शेविंग आदि भी नहीं काटने चाहिए, सिलाई कढ़ाई नहीं करना चाहिए, भोजन पकाना खाना ये सभी वर्जित होता है, तेल मालिश करना, जल पीना भी है तो जल में पहले ही तुलसी का पत्ता डाल के रख दीजिए, ज़रूरत पड़े बीच में तो ही आपको ये तुलसी का जल पीना चाहिए, बाल बनाना, कपड़े धोना, ताला खोलना ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए, इससे घर में सुख समृद्धि नष्ट होती है। चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले और बाद में दोनों समय आपको नहाना चाहिए। ग्रहण काल में आपको सिर्फ भगवत नाम लेना चाहिए, कुछ भी नहीं खाना पीना चाहिए, अपने जो गुरु मंत्र हैं उसका जप करें, इष्ट देव या देवी के मंत्रों का जप करें, मूर्तियों को हाथ न लगाएं, पूजा पाठ नहीं करना है, घर के मंदिर को हाथ नहीं लगाना है, किताबें नहीं छूनी है, जो भी आपको याद है मंत्र आदि अगर आप कोई पाठ करना भी चाहते हैं देखना चाहते किताब तो बाद में उसको गंगा जल से शुद्ध करके रख दें, और इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा अपने पूर्वजों को याद करते हुए ज़रूरतमंदों को दान भी करना चाहिए। जब ग्रहण खत्म हो जाए तो फिर स्नान करके तब मंदिर का घर के मंदिर को साफ करें, गंगा जल से साफ करें, घर में भी आप घर को भी साफ करके गंगा जल का छिड़काव करें, और ग्रहण काल में जितने भी स्पर्श किए हुए वस्त्र हैं सबसे पहले तो जब आप स्नान करते हैं तो वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए, और बाद में वो दान कर दिए जाते हैं। अगर आप इतना नहीं मानते हैं तो कम से कम उसको ठीक से बाद में साबुन से धो लें। जब आप सूर्य या चंद्र ग्रहण पूरा हो जाता है तो उसका शुद्ध प्रतिबिंब देख लेते हैं, इसके बाद ही आपको भोजन करना चाहिए। इस दिन आपको ग्रहण के दिन पत्ते हुए, तिनके हुए, लकड़ी हो, फूल हो, तुलसी पत्ता हो ये नहीं तोड़ना चाहिए, और ग्रहण के बाद में जो तुलसी का पौधा है घर में या जो भी शमी का पौधा आदि आप जो पूजा पाठ का पौधा लगा के रखा है आपने उन सभी पर गंगा जल का छिड़काव ज़रूर करना चाहिए। ग्रहण के दिन घर हो बाहर हो किसी भी तरह से किसी से भी कोई वाद विवाद नहीं करना चाहिए, इससे घर का माहौल ख़राब होता है, और घर में अगर अशांति होती है ना तो लक्ष्मी माता आती है ना ही आपके पितृगण आते हैं। तो ग्रहण के दिन पितरों का ध्यान करते हुए ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः नहाने के बाद आपको उनके भी नाम का एक लोटा जल जरूर देना चाहिए। चंद्र ग्रहण है तो नहीं दिया जाएगा, रात के समय पितर को जल नहीं देते हैं, इस बात का ध्यान रखें, इसलिए उनका नाम लेकर कुछ दान कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखना है, इस दिन आपको खाने पीने से तो बचना चाहिए, और जो गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, इनके लिए खाने के मामले में छूट होती है। ग्रहण के समय कुछ लोग टोना टोटका गलत चीज़ें नेगेटिव एनर्जी भी डालते हैं, बहुत तरह के तंत्र के प्रभाव होते हैं, इसलिए ट्राई करें इस दिन सुनी जगह पर सुनसान रास्तों पर नहीं जाना चाहिए, कहीं पर भी जो शमशान आदि है उस जगह नहीं जाएँ, चौरस्ता है वहाँ पर ना जाएँ, और भूल से भी बाहर वालों से कोई भी चीज़ लेकर के खानी आदि नहीं चाहिए, नहीं तो कहा जाता है कुछ नकारात्मक शक्तियां हावी हो सकती, वशीकरण हो सकता है, जिसके वजह से आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और आगे आपको और भी थोड़ी सावधानियां बता देती हूं जो ग्रहण काल में आपको ज़रूर रखनी है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाएं हैं, इनको ग्रहण की छाया से दूर रहना चाहिए, क्योंकि छाया का कुप्रभाव गर्भस्थ शिशुओं पर पड़ने का डर रहता है, जो कि बच्चे के सेहत के लिए नुकसानदायक होती है। हमेशा जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको एक नारियल अपने पास रखना चाहिए, और उसे ही पास में गोद में रख करके बैठे मंत्रों का जप करें, और अगर सोना नहीं है तो कम से कम गोद में बैठ करके पाठ आदि अपने इष्ट के मंत्रों का जप करें, और बाद में इस नारियल को फेंक देना चाहिए। दोस्तों ऐसे ही इस बार ये उपछाया ग्रहण है, ज़्यादा कड़ा तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, और इस दौरान पति पत्नी को संबंध भी नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि कहा जाता है ये अशुभ होता है, परलोक में कष्टदायी माना गया है, क्योंकि इस समय अगर गर्भ धारण हो जाता है तो संतान पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, ऐसा शास्त्रों का मत है। इसलिए इस समय शरीर हो, मन हो, बुद्धि हो, सभी में सामंजस्य बना करके रखना चाहिए। ऐसे भी पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, इस पर संबंध बनाना शास्त्रों के हिसाब से शुभ नहीं माना गया है। इस दिन आपको अपने घर के बड़े बुजुर्ग पति पत्नी आपस में बच्चों से सभी से बहुत खूबसूरती से बिहेवियर रखना चाहिए, किसी को अपशब्द ना बोलें, किसी को गाली गलौज ना करें, अब्यूजिव वर्ड्स ना बोलें, किसी को हर्ट ना करें, गरीबों की, असहाय की, बुज़ुर्गों की इनकी मदद करें, ऐसे भी इसको अपनी आदत बना करके रखें, आप देखेंगे आपकी आधी प्रॉब्लम्स तो अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। ग्रहण के दौरान अनजानी शक्तियां ज़्यादा प्रभावी होती है, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है, तो जो गर्भवती महिलाएं विशेष रूप से अकेले कहीं आए जाए ना, कहीं पर भी सुनी जगहों पर जाने से आप बचें, घर में ही बैठ करके मंत्रों के जप करें, ये ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है।
दोस्तों उपछाया ग्रहण है, वास्तविक चंद्र ग्रहण नहीं माना जाता है, धार्मिक प्रभाव इतने नहीं माने जाते हैं, इसलिए इस दिन सूतक काल मान्य नहीं होगा, मंदिर के कपाट बंद नहीं होंगे, कोई भी शुभ कार्यों पर रोक नहीं होगी, लेकिन फिर भी इसका राशियों पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए छोटे छोटे उपाय सभी को ज़रूर करने हैं ताकि हमारे जीवन में सुख समृद्धि आ सके। हमारे जीवन में कई लोग बहुत चेष्टा करते रहते धन इकट्ठा करने का, लेकिन नहीं हो पाता है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कभी कभी ग्रह संबंधी बाधाएं हो जाती है जिसके कारण भी धन की समस्या से लोग परेशान रहते हैं, और ऐसी परेशानियों से निपटने के लिए आपको आज मैं एक मुट्ठी चावल का उपाय बताती हूँ जो शास्त्र में बताए गए हैं ग्रहण काल के दौरान करने के लिए। उनको करके आप अपनी चंद्रमा के जो भी बाधाएँ हैं या जो भी आपके ग्रह बाधाएँ हैं उनसे आप मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए, गुडलक चमकाना चाहते हैं तो आप भी चावल का उपाय ज़रूर करना है। सिर्फ एक मुट्ठी चावल आपको लेना है, चावल जिसे हम अक्षत कहते हैं। कैसा होना चाहिए चावल? अक्षत यानी कि अखंडित। चावल पुण्यता का प्रतीक होता है, देवताओं का भोग होता है, इसलिए कभी भी टूटा फूटा चावल यूज़ नहीं करना चाहिए। और हम क्या करते हैं जब किसी को आशीर्वाद देते हैं तो क्या कहते हैं? धन धान्य से परिपूर्ण हो। यहाँ पर भी धान्य का अर्थ चावल ही होता है। चावल को हर पूजा में, आप कोई भी पूजा में भगवान को चढ़ाकर इसका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इससे भी ग्रहण की अशुभता खत्म होगी। जब आपका ग्रहण पूर्ण हो जाए तो स्नान करने के बाद एक मुट्ठी चावल लेकर के आप चाहें तो किसी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, और फिर आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, मनोकामना बोल सकते हैं। चाहे तो आधा किलो चावल ले लीजिए और एकांत में किसी शिवलिंग पर जाकर एक मुट्ठी चावल चढ़ा लीजिए। बाद में बचे हुए जो चावल हैं वो किसी ज़रूरतमंद को दान कर लीजिए। और ये उपाय अचूक होता है दोस्तों, करके देखिए, आपके घर में अन्न धन की अगर कमी होगी तो वो बिल्कुल दूर हो जाने वाली है। चंद्र ग्रहण के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, सभी नित्य कर्म से निवृत्त होकर के आपको अपनी माता से एक मुट्ठी चावल लेना है। इस दिन उपाय बता देती हूँ, सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने और ज़रूर करें। माँ नहीं है तो माँ समान को स्त्री, क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक होता है, मन का कारक होता है, और माँ से अगर आपके संबंध खराब हैं तो इसके लिए आपको एक मुट्ठी चावल अपनी माँ से लेकर के या तो इस दिन दान कर देना है या फिर धन प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं उपाय, तो आपको मैं आगे बताती हूँ उपाय, वो ध्यान से सुने। पहले ये चावल को, एक मुट्ठी जो चावल है इसको रंग लीजिए पीले रंग से। कैसे रखेंगे? थोड़ा सा जल और हल्दी मिला लीजिए, उसमें ये चावल मिक्स करके सुखा लीजिए, और फिर एक लाल रंग का रेशमी कपड़ा लीजिए और इसमें ये चावल आपको बांध देने हैं। फिर से बता देती हूँ, ध्यान रहे कोई टूटा हुआ चावल का दाना ना हो, और इन दानों को कपड़े में बांध करके माता लक्ष्मी के सामने आपको विराजित करना है। चाहे तो माता लक्ष्मी की चौकी अलग से बना सकते हैं, और या फिर आप लाल कपड़े में माँ का जहाँ विराजमान करके आपने रखा है वहीं पर आप चावल, बंधे हुए चावल रख सकते हैं। और फिर माता लक्ष्मी की पूजा करके आप उनके मंत्रों का जप कीजिए। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम रिम शिम कमले कमलालय, प्रसिद प्रसिद श्रीम रिम शिम, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जप कर लें। और जब ग्रहण काल पूरा हो जाए तो उसके बाद स्नान करके इसमें से 21 दाने चावल के आपको निकाल लेने हैं, जिन्हें आप पुड़िया बना करके या लाल कपड़े में ही बांध करके अपने पर्स में, अपने दुकान के गल्ले में, अपनी तिजोरी के स्थान पर, कहीं पर भी धन के स्थान पर आप इसको रख सकते हैं। और इस उपाय से आप देखेंगे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और धन संबंधी अगर रुकावटें आ रही है तो वो भी दूर हो जाते हैं। बाकी जो चावल हैं उनको आप खीर बना लीजिए, और प्रसाद के तौर पर आप थोड़ी सी रोटियां भी बना लीजिए। थोड़ी सी खीर में आधा टुकड़ा रोटी चूर करके आप कौओं को खिला सकते हैं, और या फिर गाय को, कुत्ते को भी खिला सकते हैं पितृ के निमित्त, और फिर बाकी का जो प्रसाद है वो घर के सदस्य बांट करके खा लें। दोस्तों, अगर आप जॉब्स की वजह से परेशान हैं, नौकरी की वजह से परेशान हैं, जॉब में ट्रांसफ़र की वजह से परेशान हैं, आपकी जॉब नहीं लग रही है, या बिज़नेस में, व्यापार में परेशान हैं, तो आपको इन चावलों से मीठे चावल बनाने हैं, और फिर पहले थोड़े से कौवे को या किसी जानवर को खिला करके फिर आपको प्रसाद सहित खाना है। दोस्तों, ये चावल हमारे जीवन से दरिद्रता को दूर करने में सक्षम है, और खासकर ग्रहण काल एक ऐसा मौका है जब आप इनको सिद्ध करके माता लक्ष्मी के मंत्रों से आप इसका घर में इस्तेमाल करें तो आप देखिए कैसे दिन दुनी रात चौगुनी आपकी उन्नति होती है। आपके जीवन में अगर ग्रह बाधाएं हैं वो दूर होते हैं, पितृ दोष दूर होते हैं, दरिद्रता दूर होती है, और विशेष रूप से कई बार क्या होता है, पितरों की कृपा से ही धन संबंधी कार्यों में जो बाधाएं आती है वो हम देवी देवता की पूजा करते करते थक जाते हैं, लेकिन फिर वो पितृ दोष की वजह से अड़ते हैं, और जब हम पितृ की पूजा इस प्रकार से कर लेते हैं तो हमारे जीवन की कठिनाइयां अपने आप कम हो जाती है, पुण्यों की प्राप्ति होती है, हमारे जीवन से अस्थिरताएं दूर होती है।
तो दोस्तों कर लीजिए आप भी ये उपाय, और इस ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचने के लिए सभी लोगों से निवेदन है इस दिन सुबह सुबह जल्दी स्नान करके शिव जी का ध्यान करें, कुछ करें ना करें एक लोटा जल, थोड़ा सा गंगा जल डाल करके उनको चढ़ाइए, एक मुट्ठी चावल चढ़ाइए, और अगर आपके पास सप्तमुखी रुद्राक्ष है तो उसको गंगा जल के साथ एक तांबे के पात्र में रख दीजिए, और नहीं तो चांदी का टुकड़ा भी रख सकते हैं रुद्राक्ष की जगह, सप्तमुखी रुद्राक्ष नहीं है तो। और जब ग्रहण काल खत्म हो जाए तो स्नान करने के बाद इस गंगा जल को आप पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए, और फिर देखिए दोस्तों कैसे आपके जीवन की कठिनाइयाँ दूर होती है, विशेष रूप से आर्थिक कठिनाइयाँ, जो पैसे की समस्या है वो आपके घर से दूर होती है। बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा पर साल का पहला चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, इसलिए एक मुट्ठी ये चावल का ये उपाय आपकी गुडलक को चमकाता है, आपकी तिजोरियों को भरता है और आपके घर से दरिद्रता को दूर रखता है, आपकी कठिनाइयों को, जीवन में बाधाओं को दूर करके आपके जीवन में सात्विकता और सकारात्मकता को भरता है। तो आप भी कर लीजिए उपाय दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी लगता है बहुत भुगत रहे हैं उन सभी से इस उपाय को ज़रूर कीजिए, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें, और किसी भी तरह के प्रश्न हो ग्रहण से रिलेटेड आप मुझे वीडियो के नीचे लिखकर ज़रूर पूछ लें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, जय विष्णु भगवान की, जय लक्ष्मी मैया की, जय बजरंगबली की, जय माता दी, बम बम भोले।